अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, मिनी व्लॉग। बहुत दिनों के बाद आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज मौसम कुछ इस तरह का है, और इस तरह का मौसम मतलब बारिश वाला होता है और बहुत प्यारा होता है। तो ये है मुर्गियों का डरबा, इसमें मैं देखने आई थी मुर्गियों ने अंडे दिए कि नहीं। मुर्गियों ने अंडे तो नहीं दिए, क्योंकि वो पहले ही गुड़िया ले गई थी। इस पिंजरे में भी मुर्गियाँ अंडे देती हैं, अगर ये ना हो तो वो अंडे उस दिन नहीं देती। और यहाँ पे आके बिल्लियाँ सो जाती हैं, और जब वो सो के चली जाएं तो किसी भी सूरत मुर्गी यहाँ पे अंडा नहीं देती, क्योंकि उसको ये चादर जो बिछी हुई है ना, शायद इसको स्मेल करके या पता नहीं क्या है, पर वो इसी के ऊपर देती है। और ये है लेमन। आई थिंक कि अब लेमन के पत्ते जो हैं वो सारे गिर जाएंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर लेमन आएंगे शायद गर्मियों में। पर ये है कि इनका इतना मज़ा आया हमें, इतने ये टेस्टी होते हैं कि क्या बताऊँ। ग्रीन लेमन बेहद मज़ेदार होता है। ये लेमन छोटा था और छोटा ही रह गया, और पता नहीं क्यों इतनी जल्दी जल्दी जो लेमन है वो पीले हो रहे हैं। ये देखें, छत की हालत बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं दरिंदे। दरिंदे दिखाऊँ कौन से हैं? ये मुर्गियाँ रहती हैं इस छत पर। पहले बहुत सुहानी छत होती थी हमारी, और अब हमारी छत का कोई हाल नहीं है, क्योंकि ये बंद तो रहते नहीं है, जब इन्हें खोलते हैं तो ये कुछ भी छोड़ते नहीं है। ये हम लोगों ने इसको कवर किया है, ना कि इसको गंदा रखा। वह इसलिए कवर किया क्योंकि यहाँ पे मुर्गियाँ चढ़ के सब कुछ खा जाती हैं, मिट्टी के अंदर बैठती हैं और मिट्टी अपने पैरों से बाहर निकाल देती हैं, वरना अभी तक ये पौधा मुरझा के ख़त्म हो गया होता। और मुझे एक चीज़ नज़र आई है, ये देखें यहाँ पर मुझे क्या नज़र आया है। अब इसको हाथ लगाऊं, ये जागेगा? उठो उठो, मर तो नहीं गया। सैरी को बुलाती हूँ, उसे ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं नहीं ये जिंदा है, मुझे लगा इसका मुंह ना आगे उस साइड पे, इस साइड पे, इसका मुंह इधर है। ये देखिए, इसने तो पत्ता भी खा लिया है, मतलब ये जिंदा है और ये पत्ते खा रहा है। क्यों नहीं, नहीं? हाँ ये देखे, ये आहिस्ता आहिस्ता लगा हुआ अपने कामों में, ये खा रहा है पत्ते। और लेमन हम तोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि ये लेमन हमें अच्छे लगते हैं। जब बीपी हाई होता है तो फिर हम यहाँ से एक दो लेमन तोड़ के ले जाते हैं। ये देखें, मौसम कुछ इस तरह का है, और थोड़ी थोड़ी साथ हो रही है बारिश। ये देखें, यह स्टोर इधर देती है मुर्गियाँ अंडे। आई थिंक दिया है कि नहीं दिया, देखते हैं, मुझे लगता है नहीं दिया। और यहाँ पे एक रहता है बिल्ला, पर अच्छा बच्चा है वो, गंद बिल्कुल भी नहीं करता। नहीं, अंडा नहीं है, वरना वो सामने पड़ा होता है। ओके, अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर है काफ़ी ठंड। ओके बाय बाय, फिर नीचे जो जो हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मैंने लंच में बनाया था बोंग मीट, ठीक है, बोंग मीट बना था, और इसमें बनाए थे बेसन वाले नान जो कि हम खा चुके हैं। तो अब ये खोलती हूँ, देखती हूँ पक्का है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना इतना पानी डाला था मैंने और ये नीचे तक हो गया, मतलब ये पक गया। अच्छे से सब कुछ गल चुका है। अब इसमें डलेगा धनिया और सब्ज़ मिर्च और फ्रेश कुटा हुआ गर्म मसाला। तो ये मैंने गरम मसाला डाल दिया है, फ्रेश गरम मसाला। अभी इसे कूट लेती हूँ और फिर डालूंगी। इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, साथ ही धनिया और सब्ज़ मिर्च भी काट लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने गरम मसाले को फुल जोर लगा के, मेहनत लगा के कूट लिया है, तो अब इसको डालेंगे बोंग मीट में, बोंग पाए, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें डालती हूँ, फिर आपको उसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है, अब इसे करते हैं थोड़ा सा मिक्स। सब्ज मिर्च और धनिया उस टाइम डालेंगे जिस टाइम उसको खाने लगेंगे, वरना धनिया जो है वो काला हो जाएगा और फिर वो प्यारा नहीं लगता। अभी मैं वीडियो बना ही रही थी, दरवाजे में कुत्ता आ गया, उसे देखते देखते मैं गई, पर वो भाग गया, वरना मुझसे खाना खिलाती। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही, मैं ऐसे क्यों नहीं डाल रही, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता। क्योंकि मैं जाती हूँ स्कूल,
पहले जाती थी खुद पढ़ने और फिर मैं अब पढ़ाने जाती हूँ। फिर हमारा मन नहीं करता कि हम और कोई काम करें। स्कूल जाते हैं और आके रेस्ट करते हैं, और फिर स्कूल जाते हैं और फिर आके रेस्ट करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब वीडियोस बना के डाला करूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त हैं, बहुत ऐसे हैं, बहुत वैसे हैं, इसलिए मैंने वीडियोस बनानी छोड़ दी। पर ऐसी कोई बात नहीं है, आज से अभी से वीडियोस डलेंगी और आप मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। तो जी, हमारी नाजुकी हुई है प्यारी सी चांद सी बेटी, अभी मैंने देखा आते हुए, अभी हम लोग जाएंगे नाजुकी बेटी को देखने, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, शायद ना दिखाऊँ, शायद दिखा भी दूँ। और बस आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज सैटरडे है ना, आज छुट्टी थी मेरी, फिर कल संडे है, कल भी छुट्टी होगी। मंडे का कुछ नहीं कह सकती कि मंडे को ब्लॉग डालूंगी कि नहीं, बट ये ब्लॉग डालना तो मस्ट है। तो जी, यहाँ पे मेरी रानू पुप्सो जो है वो रेस्ट कर रही थी हीटर के आगे, इंजॉय फुल मज़ा, मस्त माहौल किया हुआ था उसने अपना। ये हम आगे हैं नाजुक के घर, वो है माँ जान, ये मैं, ये है गुड़िया, और अभी हम देखेंगे नाजुक की प्यारी सी बेटी। ये मैं पहुंच आई नाजो के घर, और ये हमारी है चांद सी नाजो की बेटी। इसका नाम अभी मुझे नहीं आता, वैसे इसका नाम रख दिया गया है। और यहाँ पे बस हम लोग इसको पपियाँ शपियाँ कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और बहुत मज़े मज़े की बातें कर रहे थे, जो कि मैं आप लोगों को नहीं सुना सकती। सो आप लोग मेरी ही बातें सुनने के मैं क्या कह रही हूँ। और ये है, ये बहुत प्यारी क्यूट सी मीठी सी बच्ची है, और ये थोड़ी सी सजावट की हुई थी इसके लिए, वेलकम के लिए। यहाँ पे रखा मैंने अपनी बिल्ली का खाना, धनिया और सब्ज़ मिर्ची काट ली सालन में डालने के लिए। अब टाइम हो गया था रोटी बनाने का, पता नहीं चल रहा था कि रोटी बनेगी या तो तंदूर से आएंगी। मामा जान घर में नहीं थी, तो फिर मैंने कहा रोटी बना दूँ, क्योंकि जब भी बनानी है बनानी तो मैंने ही है। ये देखे गर्मा गर्म मज़ेदार रोटियाँ, अब ये कब खाएंगे, जब सब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर बैठ के खाना खाएंगे हम लोग। अभी दाऊद में और सैरी जा रहे हैं चीज देने, सैरी अपने अच्छा वाली साइड पाँव के आगे कर दी थी। ये पैसे ओ ये मैंने तो 100 रुपये दिए, ये 100 रुपये मैं अपनी तरफ से भी ना, मतलब मैंने 200 डाला है। और ये 200 मेरे पास है, और 100 सैरी के पास है, और दाऊद है ये हमारा क्या है सिक्योरिटी गार्ड, ये हमारे साथ जाएगा ओ आगे शॉप पे। अभी हम दुकान पे जा रहे थे और यहाँ पे एक चूहा है, चूहा भाग गया, नहीं नहीं इसके अंदर गया, नाली के अंदर चूहा चला गया, और हमारी गली जो है वो सारी की सारी टूट गई है, क्योंकि गली बन रही है नई। ये देखें हमारी गली बहुत प्यारी थी, और अभी हम दुकान पे जाके चीज़ें लेकर आएंगे। हाय लो कुत्ता भी आ गया। तो जी, हम लोग शॉप पे आ गए, काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो मैंने पसंद कर ली, और फिर बाद में याद आया कि वीडियो बना लूँ। दाऊद साथ आया हुआ था फुल ध्यान में कि बस जल्दी से चीज़ लो और घर जाओ। ये इसलिए इस टाइम हमें साथ ले आया था क्योंकि रात हो चुकी थी काफ़ी, और इस टाइम किसी भी शॉप पे ज़्यादा रश नहीं होता, तो फिर हम लोगों ने मज़े मज़े की चीज़ें ली और बड़ा मज़ा आया, और लेके अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। क्या कर रही है सर शगुन में भी जा रहे हैं, वो वाले भी रखो इतने प्यारे हैं। ये सब कर ये पुरुषों को भी टेंशन है कि आखिर हो क्या रहा है। सर वैसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये देखो सर जा के चीज़ें क्लीन रखती दे। आखिरकार चोर चोरी से जाए, एक गली बस करो दो। मैं बताऊंगी ऐसी डालूंगी एक जगह की तरह। वो खा रहा है सर, अब उसने खा लिया, आजकल है फोन का जमाना। ये देखें अभी देखने एक और फोन, अभी देखने से चल लाओ, ये देखें ये आईफोन XR हाथ दोगी ये दो 256 GB। यहाँ पे बन रहा है कहवा, क्योंकि आज बोन पाए बने थे, तो उसके बाद कहवा तो मामा मस्त भी पीने, और वैसे भी गुड़िया और हसीब और मामा तो जरूर पीते हैं। तो ये बन रहा है कौन सा वाला लेमन ग्रास, तो ये डाल दिया, अब इसमें डलेगी शक्कर और ये हो जाएगा तैयार। पुप्सी के लिए चिकन निकाला है, खा ही नहीं रहे, और वो इतना सही चिकन खाती है, ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे सता देती है और फिर खाती है।
अपनी गुड़िया धो रही है बर्तन, जिनको मैंने धोके दिए थे, इतनी भी बात नहीं है, सिर्फ बर्तन ही धोती है। हाँ, किचन भी साफ मैं भी करती हूँ। हाँ, किचन भी करती है सारा साफ। चलिए दिखाओ कितनी चीजें नहीं है, दिखाओ। ये बहुत थोड़ी होगी, ये क्या है, क्या है ये पूरा? मैंने अपने लिए दो केक रखे हैं, दो कुरकुरे भी रखनी है, दो टाफियां भी रखनी है, सारी चीजें दो दो रखनी है। ये तुम नजर आई है मुझे, जैनिया खा गया तुम लोग। एक काम करते हैं, मीठी चीजें मेरे लिए रख दो, बाकी आप लोग चलो तुम्हारा मीठा। नहीं, ये भी, ये भी खाओ मीठा, ये भी मैं खा। नहीं, ये ले लो तुम। नहीं, हम सब खाएंगे ना, है ना, मतलब हम इतनी भूखी हरकतें करते नहीं है जो आज की है मैं, क्योंकि दो मिनट के लिए अंदर जो आ गई हूँ। यहाँ पे होते हैं व्लॉग का एंड। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबा।